बेटा ये निशान खुद ब खुद नहीं जाएगा, आप इसे मसलते रहेंगे तब भी नहीं जाएगा। इसे मिटाने की सिर्फ एक ही तरकीब है और वो है पढ़ाई। पर उस पढ़ाई के लिए आपका दौड़ना बहुत जरूरी है। वही तो आप पूछे हैं कि पढ़ाई और दौड़ का क्या संबंध है। अच्छा ये बताइए कि हम दवा क्यों लेते हैं? अच्छे हुई के लिए, आप अच्छे हो जाइए तो हमारे संग चलने फिरने लगी है और हमारे संग खेल भी सकी है। बिल्कुल सही। तो आप ये समझ लो कि ये जो दौड़ना है ना, ये आपकी दवाई है जो आपको हर रोज लेनी है ताकि आप ये निशान मिटा सके। इस स्कूल में आपका दाखिला इसलिए हुआ है क्योंकि आप दौड़ती बहुत अच्छा है, और जब तक आप दौड़ेंगे नहीं तब तक ये स्कूल वाले आपको पढ़ने नहीं देंगे। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या ये निशान मिटा सकेंगे? ये निशान मिटाने के लिए आपका पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए आपका दौड़ना जरूरी है। पर मौसा जी, हम पढ़ाई और दौड़ एक साथ कैसे करिए? वो तुम हम पर छोड़ दो। पढ़ाई और दौड़ एक साथ दोनों कैसे करने? मौसा जी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। पढ़ाई और दौड़ एक साथ? वो आपके अर्जुन सर कह रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा ना। चला सर, अर्जुन सर हम दौड़े के वास्ते तैयार है। सर कॉफी तो पीते जाइए। सॉरी मिसेस रावत, फिर कभी पी लेंगे। अभी चकोर की ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहे। चकोर, आपने भी कुछ नहीं खाया है, हम अभी आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं मासी, हम का नहीं खाए का है, हम बाद में खा ले। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? यकीन मानिए मिसेस रावत, चकोर से कहीं ज्यादा जल्दी हमें है। चलो चकोर। चकोर भी कितनी लकी है ना कि उसे अर्जुन सर जैसे स्पोर्ट्स टीचर मिले जो उसके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमें लगता है आभा कि अर्जुन चकोर में अपनी झलक देखते हैं। मतलब? पता नहीं क्यों पर लगता है जैसे अर्जुन को भी अपने किसी निशान को मिटाने की जल्दी है। अब वो निशान शरीर पर है या दिल पर, ये हम कह नहीं सकते। More faster. Back up, you're doing good. और तेज। पूरी दुनिया को उजाला देख हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी में तो उषा की किरण भी ना है। हमरे तो हाथ पे दुख तो का पानी चढ़ाई चढ़ाई और तुम तो हमरी तरफ देखा भी नहीं, हमारी विनती भी नहीं सुन। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम। अरे ये तो चकोर की छोटी बहन। बेटा दिवाली का दिया। उठो चकोर, गेट अप।
कहा जाने हम कहा पापी जो हमको और हमारे पुरखों को तुम ही सजा दे दो। अरे हमारी तो दो आंखें थी वो कभी तुम हमसे छीन लिए। सब ठीक हो जाएगा हा? सब ठीक हो जाएगा। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। हम सभी यहाँ ठीक है दीदी, तो चिंता ना कर। चकोर जल्दी जाओ, जितनी जल्दी तुम उस पोल को छूकर वापस मेरे पास आओगी उतनी जल्दी हम तुम्हें अंग्रेजी का अगला शब्द सिखाएंगे। ओके, F for focus, G for goal. Start. पता था इस हवेली में इंसान नहीं रहते, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहां दरिंदे रहते हैं जो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। मालकिन अब हम क्या करें? हमने तो इसको खाना पानी सब कुछ दिया, पर ये महारानी है कि खाती ही नहीं है। खाएगी, प्यार से खिलाओ तो बच्ची सब कुछ खाएगी। जा मेरे कमरे में गोड़ा चना रखा है, जा लेकर आ। अरे तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तेरे सीने में दिल है या पत्थर? ये बच्चे मरने के करीब है और तुझे दया नहीं आ रही? चकोर चिल्ला कर नहीं, मन में बोलो, मन में। F for focus, G for goal. ये टेक्निक अच्छा है, एक और तरीका मिल गया इसे दौड़ाने का। सच सच बता लख, इस लड़की को देखकर तुझे दया आ रही? हमने कुछ पूछा तुझसे, इस लड़की को देखकर तुझे दया आ रही है या नहीं? बड़की भौजी अब हम क्या कहें? तेरे दिल में जो कुछ आ रहा है साफ साफ बोल दे। हम वादा करते हैं कि हम तुझे कुछ नहीं कहें। जी बड़की भौजी, दया तो बहुत आ रही, का दुर्दशा हो गई इस गुड़िया की। जी से गोल होवत है और का होवत है? जी से गोट भी होता है। गाट? गोट मतलब बकरी। बकरी? हमारी भाषा में तो बी से आवत है, मगर अंग्रेजी में जी से आवत है। क्या? कुछ नहीं, जी फॉर गोट आवत है और का आवत है? जी से जायंट भी होता है। जायाना? जायंट नहीं, जायंट, जायंट। अभी चलो स्टार्टिंग पोजीशन में जाओ, चलो। गोट गो जायंट जा, दोनों सुनने में तो अलग अलग है। बोलने में ऐसा होता है, गोट भी होता है जैन भी होता है, लेकिन होते दोनों जी से ही। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक गांव दूजा जा। अरे हमें नहीं मालूम है, हमने अंग्रेजी भाषा नहीं बनाई है। अब चलो अपने स्टार्टिंग मार्क पे चलो। नहीं, हमका और सब चाहिए जी से, फिर हम भागी है गोट और जैन से काम ना चली। ठीक है, अगर तुम 10 राउंड पूरे करोगी हम तुम्हें अंग्रेजी के 10 शब्द और देंगे। नहीं, हम दो चक्कर भाई है 10 शब्द के वास्ते। नहीं, 8 चक्कर। नहीं, 3। 7। 5। ठीक है डील, 5 चक्कर। जी से शुरू होने वाले 10 शब्दों के लिए 5 चक्कर। ओके, अब चलें शुरू करें। F for focus, G for goal, H for focus.
कच्चा ना खा लो, अच्छी तरह चबा के खाना, फिर थोड़ा गुड़ भी ले लो, खा लो खा लो खा लो। दादी ये कैरी वाली इमली है, कैरी खाती है और इसने हमको भी बहुत खिलाई है। तुम हमारी दोस्त हो ना, तुम कैरी वाली इमली, तुम्हारे जूती तो अच्छी हम नहीं बना पाए पर हम लाए हैं ना, खाना तो पड़ेगा ही। अच्छा तुम ना चने भी खा लेना और कैरी भी खा लेना, ठीक है? धन्य हो, इस घर में कोई तो है जिसके सीने में दिल है। जाओ अपने कमरे में। बड़ी बहू, इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा और तुम्हारे पति का क्या बिगाड़ा है जो इसे भूख से मारने पे तुली हो? माँ जी आपकी तो आदत है कि आप हर अच्छे काम में बुराई ढूंढ ही लेती, जबकि आप ये अच्छे से जानती कि हम कोई भी काम आपके सुपुत्र की आज्ञा के बिना नहीं करते। और सच कहें हमें इस मासूम बच्ची से कोई शिकायत भी नहीं, इसकी बड़ी बहन वो आपके बेटे को अंगूठा दिखाकर लखनऊ जाकर ऐश कर रही। अब गलती तो हुई, सजा तो भुगतनी होगी, बड़ी न सही तो छोटी बहन से। बस बहू तुम्हारी बातें सुनके हमें घिन आती। माँ जी आपकी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर हमें भी घिन आती। आप जिस तरह से हमारे खिलाफ बोलती हैं और काम करती हैं, किसी से तो इन बंधुआ मजदूरों की हिम्मत बढ़ती है और आपके नेक कामों की भरपाई हमें करनी पड़ती है। जा जाकर ऐसी जगह छिप जा जहां माँ जी का दया धर्म तुझ तक न पहुंच सके और इनका दिल भी न दुखे। जोर से मत बोलो, मन में बोलो, कितनी बार बताएं? Not bad, लेकिन पिछले राउंड से बेहतर नहीं था। हाँ हो सकत है, पर आप हमका आखिरी शब्द नहीं बताए ना। एक मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद बताते हैं। नहीं हमका अभी मालूम किएगा है, बताइए। जी फॉर गुस्सा, और तुम हमें गुस्सा दिला रही हो। गुस्सा तो इंग्लिश शब्द नहीं है, हमें मैं गुस्सा कर रहा था पर वो इंग्लिश नहीं जानत है ना। बापू तुम पर सिखाई है ये सब, तुम तारी मदद करी है। अरे खबरदार, हमरी कोनो चीज को हाथ लगाई तो तोरा हाथ पैर कट गवा तो तोरी माई तोरे लिए दवाई बनाए से पहले हमरी चटनी बनाए देगी। पर बापू तो दीदी का सिखाई रही ना। तो तुसे बड़ी है ना, और जब उका ये पता चली है कि तू ये सब करी का जिद करत है, तू कितना गुस्सा हुई है ना। जा दादी के पास जा और बोल कि शर्मा तेल लगाए दो। जा बापू, हम तो कुछ 2 दिन पहले देखे रहे। कहाँ देखे रहे? बड़े पेड़ के नीचे खड़े हुई के। चुप, धीरे बोल, कहाँ बोला थे? तुम्हारी माई ने सुन लिया तो टंटा हुई जाइए। वो कहा हुआ ना कि उस दिन दाढ़ी वाला बिरजू है ना, वो मुफ्त में पिलाए रहा था तो हम दुई घूट पी लिए। पर ये बात तू कौनों को बोलना नहीं नहीं बोली है।
तो हम कहीं सिखाई है ना कि कैसे चलावत है। हाँ सिखाई दे, ये देख को ऐसे घिसत है। हाँ अच्छा बदमाश, तू ई खीसे काहे निपोर रही, हम सब समझते हैं। तू हमका कौनो पेड़ वेड़ के नीचे नहीं देखी थी ना, ये चालबाजी तो को तोरी दीदी सिखाए रही ना है। बदमाश। हम अभी खेत में ही जा रहे थे, माए चली गई रही कीड़ा छाटने के लिए, हम तनिक रुक गए खुरपी तेज करे के वास्ते ना। भुवन हम तो को खेत में ले जाए के वास्ते नहीं आए हैं। तो फिर हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है और एक दर्द भी होता है। हम समझे नहीं लाखन भैया। भुवन सच कहें तो हम इमली की खातिर बहुत परेशान हैं। इतनी गुड़िया सी बच्ची पर का दुर्दशा हो गई है उसकी, न कछु खात है न पीत है न बात करत है, बस बेहोश पड़ी रहत है। हमका डर है कि वो कहीं मर न जाए। लाखन भैया कहा बोले तो अब चिल्लाए से का हो है भुवन। मालकिन तो को एक सप्ताह का मोहलत दे रही कि चकोरियों को लिया और इमली को ले जा, और इमली को देखकर ऐसा लागत नहीं कि वो सप्ताह भर भी जिंदा रही है। ऐसा ना बोलो लाखन भैया, ऐसा ना बोलो। तूने हाथ जोड़ा थी लाखन भैया, तूने तेरे पैर पड़ा थे, इमली को बचा लो। वो तो अभी बहुत ही छोटी है, बहुत ही कमजोर है, वो चकोरिया जैसी समझदार ना है, वो चकोरिया जैसी ना है, वो चकोरिया जैसी ना है। हम आज ही लखनऊ चली जाए और चकुरिया को अपने संग ले आई, इमली को कच्चू ना हुई, कच्चू ना हुई, इमली को कच्चू ना हुई। जैसी तोरी मर्जी पुवन, हमारा काम था खबर देना, सो हम दे दी। हमसे इमली की दशा देखी नहीं गई, अब इमली को बचाना तोरे हाथ में है पुवन। चिंता ना कर, अरे हम चकोरिया को लखनऊ से ले आए, हमारी इमली को कच्चू ना हुई है, कच्चू ना हुई है, वो हमारे पास आ जाइए हमारे पास। बड़की भौजी जय हो। लाखन तुझे इमली के लिए जितना बुरा लग रहा है ना,
उसी को बढ़ा चढ़ा के उसमें थोड़ा नमक मिर्च लगा के उसे तो भुवन और कस्तूरी को सुना दे। इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। चकोर लखनऊ से आने वाली पहली बस में चढ़कर यहाँ पहुंच जाएगी। तू तो गई चकोरिया। चकोरिया का सपना इमली की मौत का कारण बने। हम ना ही देख सके, कस्तूरिया ही ना ही देख सके। हम कस्तूरिया के सपने का बलिदान दिए का पड़ी, उकी उड़ान को रोके का पड़ी, कस्तूरिया उकी उड़ान रोके का पड़ी।